हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेंस मैं हुआ आपकी इंग्लिश एजुकेटर मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे किंडू गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं अवेलेबल हैं एंड दैट टू फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द टीचर्स नॉट ओनली दैट आई कोर्स के जो कुछ राइटर्स हैं उनके भी आपको बुक्स अवेलेबल होंगे प्लस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक एन टी इसका भी कंटेंट आपको मैग्नेट ब्रिंस में मिलेगा बट दैट इज नॉट द बेस्ट थिंग द बेस्ट थिंग इज कि ये पूरा कंटेंट मिलता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यू हैव टू जस्ट गो वॉच द वीडियो एंड यू आर सॉर्टेड आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है ना दैट इज द चेरी ऑन द टॉप राइट सो ऑन दिस गुड न्यूज ऑन दिस ब्यूटिफुल गुड नोट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टूडे विद अ न्यू बुक एंगेजिंग इंग्लिश बाईक फॉर क्लास सिक्स सो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर एंगेजिंग इंग्लिश बुक और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस बुक में मतलब कितने चैप्टर्स हैं किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं सो so, आपकी जो इंगेजिंग इंग्लिश की जो बुक है वो आप अपने सामने रख लो ताकि अगर कोई भी डिफरेंस होता है यू नो डिफरेंट एडिशंस होते हैं कुछ भी होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सको इंग्लिश लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ यहाँ से नहीं यहाँ से भी पढ़ते हो क्यों क्योंकि दीज आर स्टोरीज़ यू ट्रैवल टू डिफ़रेंट वर्ल्ड आपको ऐसा लगता है एक ही जगह बैठे बैठे आप अलग अलग स्टोरीज पढ़ते हो अलग अलग पोम्स पढ़ते हो आपका आपके जो इमेजिनेटिव स्किल्स होते हैं वो बहुत वाइब्रेंट हो जाते हैं सो हेयर वी आर गोइंग टू सी इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लास सिक्स की हमारी एंगेजिंग इंग्लिश बुक है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं एक बार हम देख लेते हैं सो हेयर वी हैव आउल्स इन द फैमिली आउल्स इन द फैमिली इज लाइक द फर्स्ट चैप्टर वेरी इंटरेस्टिंग देन वी हैव अ वोएज वोएज जो है ये एक पोम है अनकवरिंग दोस्ट ऑफ नैंसी ड्रीव देन वी हैव द क्वेस्ट वर्ड बलून देन

Then we have Bruno goes exploring the daffodils, Peter of Halem, A Visit from Saint Nicholas in the Rue Bel Tessero, in the Rue Bel Tessero Part 2. Now, this last one is a play, and apart from that, these are the chapters. Up. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इन चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं इफ इट इज अ चैप्टर इफ इट इज अ प्रोज मतलब अगर कोई स्टोरी टाइप होता है तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको फर्स्ट थिंग हम उस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे राइटर के बारे में पढ़ेंगे अच्छा बुक में क्या होता है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स तो दिए होते हैं बट ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते जिनके मीनिंग्स हमें नहीं पता होते यहाँ पे आपको हर वर्ड जो आपको लगेगा कि यार ये शायद डिफ़िकल्ट है एवरी वर्ड इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लेन टू यू जिसका मीनिंग जो है वो ग्लोसरी में लिखा रहेगा नाउ वंस यू आर डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर उसके बाद वी विल स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर क्योंकि क्या होता है जब हम रिविजन करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक बार समरी भी पता हो जाए समरी से क्या होता है उसमें काफी सारे आप क्वेश्चन आंसर्स को ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो सो देन वी विल गो टू द समरी समरी होने के बाद फिर आपके चैप्टर के बाद में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं हम उन सबको सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग द वो कैबलरी पार्ट एंड द ग्रामर पार्ट राइटिंग पार्ट मतलब बुक का कोई भी पार्ट नहीं छूटने वाला है बुक में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू इट ओके नाउ व्हेन इट कम्स टू पोम पोम में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले उसका एक्सप्लेनेशन उसके बाद उसकी समरी पोइटिक डिवाइस जो लिटररी डिवाइस होती हैं सिमिलीज मेटाफोर्स अलिट्रेशन पर एंड एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे देन वी विल ऑल्सो डिस्कस द रमिंग स्कीम हर पोम का मेजरली पोम्स जो होते हैं उनकी राइमिंग स्कीम होती है तो अगर कोई राममिंग स्कीम है तो वो क्या है और अगर नहीं है तो भी वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट चैप्टर क्लियर मतलब हम सब कुछ डील करने वाले हैं वी आर नॉट गोइंग टू लीव अ थिंग अगर आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे तो फिर आपको किसी भी तरीके का डाउट नहीं रह जाएगा ये मेरी गारंटी है सो आई होप यू आर गोइंग टू बी विद मी ये रहा इस पूरी बुक का ओवरव्यू अब

चैनल जो है हिंदी मीडियम चैनल भी लॉन्च कर दिया है तो आप अगर सी से बिलोंग करते हो एन की कोई भी बुक्स होती हैं के बोर्ड्स को भी हम केटर कर रहे हैं इफ़ यू बिलोंग टू हिंदी मीडियम डो नॉट वरी वाई बिकॉज मैग्नेट बस इज स्टैंडिंग विद यू सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सुन डिन नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय